हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेगमेंट ऑफ इलियान अल करीम इन कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर डुओ फिजा अली मिर्ज़ा एंड नबील कुरैशी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने फाइनली टाइम निकाल लिया। टाइम नहीं निकाले, तुमने पकड़ लिया। एक्चुअली मैं टाइम तो तुमने फिजा साथ लिया हुआ था, मैं तो ऑफिस आया हूँ तो मैं पकड़ा गया हूँ एकदम। मेरा आप लोगों से पहला सवाल ये है कि बहुत रेयर है कि एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर एक्सक्लूसिवली हर प्रोजेक्ट पे साथ में काम करें, लेकिन आप दोनों ने हर प्रोजेक्ट पे इसी तरह से काम किया साथ में, इसकी क्या वजह है? नहीं, आई थिंक रेयर नहीं है, आई थिंक दुनिया भर में काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स होंगे एंड नॉट जस्ट राइटर प्रोड्यूसर, आई थिंक डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आई थिंक एक और चीज़ है, हम लोग लिखते साथ हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो यू नो उसकी मजबूरी हो जाती है कि फिर इसने प्रोड्यूस करना है, मैंने डायरेक्टर में अगर हम लिख साथ रहे तो। बाकी ये कि आई डोंट थिंक सो, ये बहुत रेयर है, दुनिया भर में काफ़ी लोग हैं। ऑल्सो द फैक्ट लाइक नबील सेड कि हम लोग लिखते साथ हैं, जब आप साथ लिखते हैं तो फिर आप वो आपका सारा जो कॉन्सेप्ट होता है आपने साथ कंसीव किया हुआ होता है, फिर वो सारा विजन टू ट्रांसफर इन टू अ न्यू पर्सन इज ऑल्सो आई थिंक इट आर्स। तो अगर आप वो आसान, मेरे ख्याल से वी लुक फॉर द ईज दैट मैटर्स, ईज इन यू नो केमिस्ट्री। हाँ, यू मे कॉल इट केमिस्ट्री, ईज, कम्फर्ट, बट या आई मीन ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं चाहते कि हम और लोगों से चाहते हैं, वी आर ओपन टू वर्क विद मोर पीपल एंड एंड या वी आर येट टू एक्सप्लोर दैट एंड होपफुली वी विल। आप लोगों की पहली मूवी नामालूम अफराद थी और वो इस टाइम पर बनी जब पाकिस्तानी सिनेमा इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन सो इट वॉज अ बिग रिस्क टू डू, लेकिन वो इतनी पॉपुलर गई मूवी कि सुबह 5 बजे के शोज भी हाउसफुल थे। सो वॉज दैट एक्सपेक्टेड फॉर यू गाइज? नहीं, नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। तो ये भी नहीं था कि हम फिल्म बना लेंगे फिर जब फिल्म बन गई तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। हम बस इट वॉज अ गट दैट वी काइंड ऑफ फॉलोड कि हाँ फिल्म बनानी एक पैशन था और फिर वो बना ली और फिर जब वो लगी और लोगों को अच्छा लगा तो फिर हमें भी बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त। और इस टाइम पे मूवी बनाने के टाइम के प्रोसेस में फंड्स गैदर करना काफ़ी मुश्किल होगा बिकॉज इट वॉज़ अ रिलेटिवली न्यू आइडिया एंड इट वॉज डन इन अ वे जो इतना किसी ने सोचा नहीं था इस बारे में पहले, तो फंड्स गैदर करना कितना मुश्किल था? मुश्किल होता है वो, आई थिंक अभी तक ही मुश्किल है, ऐसा नहीं है विद एवरी फिल्म देयर इज अ जर्नी, बिकॉज़ इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है, स्क्रीन रेवेन्यू उतना ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली फिल्म वैसे ही बहुत रिस्की बिजनेस है दुनिया भर में, नॉट जस्ट हियर बट ऑब्वियसली पाकिस्तान में रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज स्क्रीन कम है और लोग का सिनेमा जाने का इतना रुझान नहीं है जितना कि दूसरे ममालिक में, तो रिस्क फैक्टर रहता है और वो हमेशा ही क्या कहते हैं नए फिल्म मेकर्स के लिए ज़्यादा फंड्स का ऑब्वियसली इशू रहता है, जो ऑब्वियसली 2-3 फिल्म्स बना चुके होते हैं फिर उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है, बट स्टिल हर फिल्म एक नई जंग है बिकॉज फंड्स इकट्ठा करने का मतलब ये है कि ज़रूरी बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं जो फिल्म फंड्स करते हैं, कुछ होते हैं लाइक माइंडेड, कुछ होते हैं नहीं, तो जो नहीं वाले होते हैं उनको बड़ा मुश्किल होता है उनसे पैसे लेना, तो हम कोशिश करते हैं कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही काम करें जो फिल्म को फिल्म की तरह देखते हो, ना कि एक मनी मेकिंग क्या कहते हैं वेंचर के हिसाब से देखें कि वो के लॉटरी लग जाए बस आए और बस ये फार्मूला फिल्म बना लो, ये डाल दो, वो कर दो, ये कर लो, इसको ले लो तो बस पैसे बन जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, जो आप लोग फिल्म्स बनाते हैं और वो बजट आपका एक सेट होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि बजट से ऊपर चला जाए आप लोगों का प्रोजेक्ट? ये मेरा अब बस तुमने ये ऐसा सवाल कर लिया है कि तुम चारों अगली बार नबील अब बाकी में डायरेक्टर ना हो, तुम थोड़ी छोड़ने आए हो। आप जब आए ना ऑफिस में यूट्यूब खोला हुआ आपके, आप ही के मैंने गूगल यूट्यूब पे सर्च किया तो उस पे एक इतना एक तस्वीर थी, थंबनेल था और साथ में लिखा हुआ था 50 लाख का सोचा था 8 करोड़ लग गए। बिल्कुल ऐसी पहली फिल्म क्या है बेसिकली, ये नामालूम अफराद की पिच मेरी ये थी कि मैं फिर बताया उन्होंने यार एक फिल्म बनानी है और छोटे कैमरे में बनानी है, 50 लाख में मैं बना दूंगा, ठीक है ना, बना दूंगा। बस ये पिच थी तो उसके बाद फिर एक बार जब फिल्म लग गई तो बस फिर उसके बाद फिर लेकिन ऑब्वियसली पहली फिल्म थी लेकिन 50 लाख का तो मैंने पिच दी थी, बट व्हेन वी लाइक मेड आवर फर्स्ट बजट तो तब भी 4-5 करोड़ पे तो आ गई थी, तो हमने 4-5 करोड़ का ही जो है वो सोचा था बट फिल्म 8 करोड़ में बनी। ऑब्वियसली पहली फिल्म थी तो वी डिडंट नो कि कुछ चीज़ें तो हमें मालूम ही नहीं था कि इस जगह पर भी इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, तो बट वो पहली फिल्म के बारे में समझ में आ गया, तो अब जब हम फिल्म बनाते हैं तो हम कंटिजेंसी रखते हैं थोड़े बहुत पैसों की, बट स्टिल जो मैं बोलता हूँ उससे हमेशा थोड़े पैसे ऊपर ही लग रहे होते हैं, ये एक लेकिन वो मुझे पता होता तो मेरे ख्याल से जो बजट मेरे एंड पे बना हुआ होता है फिल्म उसमें बन जाती है। नबील के एंड पे एक और बजट होता है बिकॉज ही लाइक्स टू मेक मी फील गुड इन द बिगिनिंग, बट बाय द एंड
I exactly am feeling what I expect myself to be feeling. Yeah. You know, I think Fiza ki achhi baat ye hai ki obviously wo she's not like a producer jo sirf paise laga raha hota hai aur bolta hai acha bhai ye hata do nahi chahiye mere ko ya kal nahi milega aisa nahi hai to wo khud obviously kyunki hum likhte saath hain to wo usko bhi utna hi creative cheezon ka matlab shock hai ya execution wise wo film ko usi hi vision ke sath dekh rahi hoti hai jis tarah se main dekh raha hu sometimes even aisa bhi hota hai के जैसे एक जगह अभी हम रिसेंटली एक हमारी जो फिल्म शूट हो रही थी खेल में तो उसकी हमने एक चीज़ की शूट जो वो 3 दिन की प्लान की हुई थी तो वो 3 दिन ख़त्म होने वाले थे और वो काम बाकी था तो ऑब्वियसली मुझे अब मुझे बोलते हुए शर्म आ रही थी कि मैं कैसे बोलूँ कि यार ये 1 दिन की शूट जो और पड़ जाएगी अच्छा तो फिजा जो है वो खुद ही मेरे पास ने बोला यार ये आज तो नहीं होगा तो हमें 1 दिन तो और एक्सटेंड करना पड़ेगा तो जो है फलाना तो मैंने दिल में शुक्र अदा किया लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि और भी प्रोड्यूसर्स होते हैं कुछ आई एम श्योर कुछ और भी ऐसे प्रोड्यूसर्स होंगे बट प्रोड्यूसर को ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि जो भी चीज़ हो रही है वो उनकी बेहतरी के लिए हो रही है समटाइम्स लोग ऑब्वियसली फाइनेंसिस भी जो है वो मैटर करते हैं लेकिन एक फिल्म की जो है ना कुछ ज़रूरतें होती हैं कुछ बेसिक नीड्स है ना आप उनको नहीं ख़त्म कर सकते इट्स लाइक कि आपको पता है कि यार ये चीज़ की क्वालिटी जो आपने 3 दिन की है वो सिर्फ 1 दिन की वजह से पूरे 3 दिन का काम आपको ख़राब हो जाएगा सो यू रादर गो फॉर अनदर डे टू सेव दोस 3 डेज इंस्टेड ऑफ यू नो कि यार ये 1 दिन के पैसे बचा लूँ और फिर वो 3 दिन जो है वो ऐसे लगे जैसे आपने 1 दिन में शूट की है एग्जैक्टली सो वो उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी बिल्कुल फिनिशिंग पे आके आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम अगर और मिल जाए तो और बेहतर हो जाए एंड इट्स बेटर टू कि आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें रादर देन बाकी की सारी मेहनत अपनी पहले वाली ज़्यादा करें आई थिंक वो और दैट्स वेयर पैशन कम्स इन अगर आप कैलकुलेशन में फंस जाएंगे तो उसका बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है कि यू नो दोनों चीज़ें हैं वो दिल और दिमाग वाला बैलेंस है कि एक दूसरे के ऊपर सुपरसीड ना कर जाए कोई बैलेंस हो अच्छा आप लोगों का सेकंड प्रोजेक्ट था साथ में एक्टर इन लॉ और उसकी एक बहुत ही मैंने अभी बाहर पोस्टर भी देखा तो उसमें ओम पुरी जो है आपको नज़र आते हैं यू नो अ ग्रेट बॉलीवुड स्टार रेस्ट इन पीस लेकिन उनको पाकिस्तान लाना और उनके साथ शूट करना उसमें क्या चैलेंजेस थे वो किस हाउ डिड दैट कम टू बीइंग लाइक उसका आइडिया कहाँ से आया हाउ डिड दैट टर्न इनटू रियलिटी जो ओमपुरी साहब थे वो बॉलीवुड स्टार नहीं थे ही वाज अ यूनिवर्सल एक्टर और उन्होंने हॉलीवुड के लिए भी काम किया हुआ था उन्होंने बहुत सारी ब्रिटिश फिल्म में भी काम किया उन्होंने पाकिस्तान में भी आके काम किया तो एंड एज अ पर्सन ऑल्सो ही वॉज नॉट डिज़ाइंड और ही नेवर कंसीडर्ड हिमसेल्फ ए सर्टन नेशनैलिटी he was always very outspoken about it he never believed in any borders yeah he never thought ke wo kisi ek jagah se belong karte hain he on a human level I think one of the finest people that I've come across in my life is him and hum sab ne unse jitna sikha hai aur jitna pyar unhone hame diya sare kaam mein superstar aur ye sari cheeze to it was all put aside हम तो वी वर ऑल स्ट्रक विद हिज यू नो विद हिज बिहेवियर एज अ पर्सन यू नो विच वॉज लाइक आई सेड एजुकेटिंग एट द सेम टाइम सो इम्प्रेसिव कि वो आई थिंक इट वॉज आर गुड लक समथिंग दैट यू नो दैट वी काइंड ऑफ स्ट्रक गोल्ड बाई मीटिंग हिम तो वो अल्लाह की तरफ से था कि इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस दैट यू नो ही केम हियर एंड ही वर्क विद अस व्हेन वी हायर्ड लाइक नॉट हायर्ड इन फैक्ट व्हेन वी कास्टेड हिम initially we didn't expect ke wo karna chahenge but when he read the script and he called us back we couldn't believe that he is actually calling he himself called back and said ki I like the character I'd like to do it what is stopping you you know okay. and then bahut sari cheeze thi jo unhone humne kai baar batayi hai pehle bhi lekin he made things easy for us he wasn't complicated in any way and how was he like to work with Naveel bhai ऑन कैमरा ऑन सेट कैसे थे यार बहुत अच्छे थे इनफैक्ट यू नो उनसे बड़ी शुरू में तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा लाइक फॉर्मल रिलेशनशिप था क्योंकि पहली बार काम कर रहे थे ठीक है ना एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी जब मैंने पहला उनके साथ शॉट लिया सो यू नो ही केम टू मी एंड ही शेक माय हैंड एंड ही सेड के यार मुबारक हो हमारा पहला शॉट जो है वो हुआ एंड आई थिंक पता नहीं उन्होंने शगुन के पता नहीं कोई पैसे वैसे भी कुछ जाना तो वो थोड़ा सा हमारे लिए वो रिचुअल नए थे पहली बार जब नबील रूम में मिलने गया था हम लोग उनको एक होटल में कराची में रुके हुए थे और हम उनके कमरे में गए थे सो आई वाज इंट्रोड्यूसिंग नबील टू हिम आई हैड मेट हिम अर्लियर एंड देन आई हैड टू टेक नबील फॉर या बिकॉज़ हम लोग उन दिनों शूट चल रही थी हमारी तो हम लोग की 3-4 दिन की शूट हो गई थी फिर उनको एयरपोर्ट से लेके
होटल पहुंची थी और मैं जो हूँ वो शूट से डायरेक्ट आ रहा था, सो मुझे उनके कपड़े भी ट्राई करवाने थे, आई वाज आल्सो यू नो होल्डिंग दैट स्टफ एंड देन ही एंटर्ड द रूम विद अ ह्यूज ग्रिन यू नो, सो वो ये हंसता हुआ अंदर गया एंड ही गॉट अप, ये डायरेक्टर इतना अच्छा मुस्कुराता है यू नो, ही वाज सो प्लेजेंट, ही इज लाइक अरे ये तू डायरेक्टर है जबरदस्त यार, अब तो बड़ा मजा आएगा यू नो, ही वाज सो अमेजिंग एंड देन ही वी फाउंड अ वेरी गुड फ्रेंड यू नो डिस्पाइट द एज फैक्टर और व्हाटएवर डिस्टेंस दैट वी हैड यू नो, जो एक नॉर्मली एज की वजह से आ सकता है वो नहीं था, एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो गया था और वो ऐसा हो गया था कि जैसे कि वो हमारी उम्र के हो गए या हम उनके, तो वो हमारी रोजाना फोन पे बात होती थी आफ्टर ही लेफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू टिल यू नो ही वाज इन दिस वर्ल्ड वी वर टोटली इन टच एंड यू नो वी कुड शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी वुड मीट आउटसाइड द कंट्री. अभी कल ही मैं फिदा को बता रहा था, मैं आई वाज लाइक सर्चिंग आवर ओल्ड हार्ड ड्राइव जिसमें डाटा होता है, सो आई फाउंड दोस फुटेज लाइक द रॉ फुटेज ऑफ एक्टर इन लॉ फर्स्ट डे विद व्हेन वी वर शूटिंग विद ओम पुरी. वाओ, सो आई इट वाज सो लाइक नॉस्टैल्जिया होता काफी. अच्छा, उनकी फैमिली मतलब बच्चे लाइक हिज सन इज आल्सो वेरी वेरी नाइस एंड यू नो ही इज वेरी क्लोज टू अस बिकॉज़ वो एक एसोसिएशन है जो मिस्टर पुरी के थ्रू हमें उसके साथ मिली है. ईशान इज अ ब्रिलियंट चाइल्ड, एक्सट्रीमली ब्राइट, सो वी जस्ट विश हिम ऑल द लक एंड यू नो बेस्ट ऑफ द फ्यूचर. दैट्स अमेजिंग. आप लोगों की मूवीज मैंने नोटिस किए हैं कि दे आर वेरी कॉमेडिक या ह्यूमरस बट ऑल्सो विद अ मैसेज विद इट. सो इस स्पेसिफिक जॉनर की या इस स्पेसिफिक वे ऑफ मेकिंग अ मूवी की क्या वजह है? यार आई थिंक आप जो भी हम फिल्म बनाते हैं वो जो भी मेकर है ज़्यादातर आई थिंक आई डोंट नो सारे, लेकिन वो यही होता है जो आप अंदर से होते हैं ना वो ही आपकी रिफ्लेक्शन पर्दे पे आ रही होती है, और जो कि मुझे लगता है होना ऐसे ही चाहिए. ठीक है ना, कि जो आप दिल से बनाओगे चीज़ वही अच्छी भी लगेगी हमेशा और वही लोगों को भी पसंद आएगी. ठीक है ना, और एज ए मेकर भी हमारा काम ये है हम वही चीज़ बनाएं जो हम खुद भी देखना चाहते हैं और जो लोगों को बताना चाहते हैं, जो हमारी अपनी कहानी, ताकि वो नेचुरल लगे. बिल्कुल, वो नेचुरल लगे और वही चीज़ कनेक्ट करे. आप सकते हैं ना. ठीक है ना, तो आई थिंक के टू स्टार्ट विद नामालूम अफराद वॉज लाइक, मैं उसको कभी भी जो है ना वो कॉमेडी फिल्म नहीं कहूँगा, इट वॉज लाइक सॉर्ट ऑफ डार्क ह्यूमर एंड सैटायर इन इट, देयर वॉज लॉट ऑफ सैटायर इन इट. वो ये है कि जिन लोगों को थोड़ी समझ है वो उसको उस तरह से देखते हैं, जो लोग मेन स्ट्रीम सिनेमा के तौर पे देखने जाते हैं उनको वैसी लगती है. तो आई थिंक वो फिल्म की अच्छी बात है कि वो अच्छी ब्लेंड हुई है कि वो दोनों तरीके की ऑडियंस को कैटर कर जाती है. सेकेंडली, दो तरीके की फिल्में बनती हैं अगर किसी भी मैसेज को लेके फिल्म बना रहे हो या कोई सोशल इशू को लेके बना रहे हो, एक बहुत हार्ड हिटिंग सीरियस डार्क और एक तरीका ये जैसे हम बना रहे हैं. ठीक है ना, सो वो डार्क वाला तरीका भी बहुत अच्छा है, वो भी हार्ड हिटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि उसमें ना उन फिल्म्स की ऑडियंस थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम ऑडियंस जो है वो ज़रा आती है सिनेमा में थोड़ा हल्ला गुल्ला, थोड़ा ज़रा इन्जॉय करने. ठीक है ना, तो वो देखने के लिए लोग कम आते हैं उस तरह की फिल्म, और जो फिल्म का मकसद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे या वो जो बात हो रही है उसके अंदर वो ज़्यादातर लोगों को मालूम हो, वो क्या होता है वो कम हो जाती है. ठीक है ना, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी उसी तरीके की फिल्म को थोड़ा सा लाइटर वे में सुनाएं, विद लाइक यू नो पॉप कल्चर रेफरेंसेस और थोड़ी सी ह्यूमर के साथ. तो क्या हो कि जो आपकी एक जो फिल्म थोड़ी सी सोशल इशू वाली फिल्म देखना पसंद करते हैं वो लोग भी, और जो एक बिल्कुल ज़रा फन फिल्म देखना पसंद करते हैं वो दोनों ऑडियंस आए, और जो आपका मैसेज है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. ठीक है ना, तो आई थिंक उसका एक मेजर रीज़न ये है. सेकेंडली ये कि यार हम जब फिल्म बना रहे हैं तो हमें लगता है कि जब आप अगर आज से 25 साल के बाद वो फिल्म देखो, सो यू विल ऑल्सो व्हेन यू आर वॉचिंग दैट फिल्म, सो यू विल रियलाइज कि अच्छा यार उस टाइम पे इस मुल्क में या इस जगह पे ये मसला होता था. फॉर एग्जांपल, अगर आज के दौर में हम नामालूम अफराद देखते हैं, 2014 में वो फिल्म आई थी, तो आपको मालूम होगा कि ओके 2014 में हड़तालों का एक कल्चर था कराची में, अब नहीं है वो. अब आज जो बच्चे आई थिंक 2010-12 में पैदा हुए होंगे, अब उनको नहीं मालूम कि हड़तालें कैसी होती थी, क्या होता था. तो वो उस फिल्म ने वो एक एरा डिपेक्ट किया है. जैसे लोड बेडिंग है, अब उसके अंदर जहेज़ की बात हुई, आई होप कि अगले 10-15 सालों में जहेज़ कभी जो है वो खात्मा हो जाए पाकिस्तान से, और फिर जब उसको लोग बोलें तो उनको लगे कि अच्छा यार ऐसा है, या बिजली जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल आने लग जाए, कोई जो है वोल्टेज ड्रॉप ना हो, तो एक्टर इन लॉ भी लोग जब दो लोग देखें तो उनको लगे वाह यार क्या कहते हैं ये, इसमें बिजली पहले पाकिस्तान में मसला होता था, देख रही फिल्म. तो वो जो चीज़ें हैं हमने अपनी फिल्मों में उस तरह से की हुई, और आई थिंक उसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हमने सोचा कि ऐसा करेंगे, वो खुद ही बन गया.
आई थिंक ऐसा है। आप लोगों की दो मूवीज, एक मूवी आपने ऑलरेडी बना ली, एक मूवी की शूटिंग चल रही है जो आई थिंक अभी वाइंड अप हुई है, लेकिन कोविड की वजह से पूरे सिनेमा इंडस्ट्री की हालत बुरी हो गई, आप लोगों की मूवीज डिले हो गई, सो उनकी रिलीज डेट्स का अब क्या हिसाब है? हिसाब तो बड़ा क्लियर है, जैसे ही सिनेमास खुल जाएंगे और हम सब वैक्सीनेटेड होके वापस जाके बैठेंगे, टिकट्स खरीदने के लिए तैयार होंगे, हम तो रेडी हैं, फिल्म्स आर रेडी। इनफैक्ट नॉट जस्ट आर्स बट देयर्स अ फ्यू मोर, इनफैक्ट अ लॉट मोर पाकिस्तानी फिल्म्स दिस ईयर माशाल्लाह, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी एंड गुड कास्ट, गुड मेकर्स। सो वी आर वेरी होपफुल के इंशाल्लाह व्हेन वी गेट बैक टू बिजनेस नाउ देयर इज़ अ नाइस स्ट्रीम ऑफ पिक्चर्स विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन द प्री कोविड सिनेरियो। सो आई थिंक वो जो एक दो साल का टाइम बीच में आया उसमें बहुत सारा काम जो लोगों का रुका हुआ था वो सब ने उसको रैप अप कर लिया, और क्योंकि सिनेमाज नहीं खुले हुए थे, फिल्में नहीं लग रही थी, तो वो कुछ ज़्यादा फिल्में जो हैं वो तैयारी की तरफ आ गई। तो अब इंशाल्लाह जब सिनेमाज खुलते हों और एक बार पाकिस्तानी फिल्म्स को वापस से स्पेस मिलनी शुरू होती है, तो आई थिंक वी आर गुड फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ ईयर्स, और अगर वही पेस चलती रहेगी तो फिर अब वो जो हमारे पास एक वैक्यूम था वो होपफुली नहीं होगा। सिनेमाज तो काफ़ी इफेक्ट हुए हैं, आई थिंक साल से ज़्यादा हो गया कि सिनेमाज बंद रहे हैं पाकिस्तान में, अभी खुलने जा रहे हैं, आई थिंक 9th July को आया है कि खुलेंगे होपफुली, और फिर शायद खुले रहें, लेकिन सिचुएशन अभी भी काफ़ी अनसर्टेन है। तो सिनेमाज के अलावा क्या कोई एवेन्यू आप लोगों ने एक्सप्लोर किया है मूवीज़ रिलीज करने का, जैसे वर्चुअल होती है फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स या एनीथिंग? See, we've had these talks many times. Right now, the situation is that जो virtual platforms हैं, जो original content produce कर रहे हैं, उनका interest इस region में हमारे मुल्क की तरफ थोड़ा सा कम दिखता है। उसकी वजह बहुत सारी वजूहात हैं, फिर ये एक बहुत serious conversation convert हो जाएगी, लेकिन I would say कि It's time that we should start creating our own portal. चलें अब हम आते हैं अपने रैपिड फायर सेगमेंट पे, जिसमें मैं सवाल पूछूंगा, दोनों ने जवाब देने, लेकिन एक दूसरे के आंसर्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए किसी और के आंसर से, ठीक है? ओके, पहला सवाल ये है, फेवरेट डायरेक्टर टू वर्क विद एंड इंटरनेशनली और इन पाकिस्तान? देयर इज टू इन इंडिया, अगेन वही बात आ जाती है फिर हमारे पास हर बार, लेकिन मुझे लगता है कि विशाल भरद्वाज इज अमेजिंग एंड आई ऑल्सो लाइक अनुराग कश्यप्स वर्क। Yeah, so and Zoya Akhtar, of course. So yeah, so director I look up to, like which like their work inspired me. There is like lots of director, बहुत सारे भी, because यही top two दे दें। नहीं top नहीं दे सकता मैं कभी, because sometimes ये होता है। हाँ वो season होता है ना। Yeah, sometimes you know आपको एक director ने कोई इतनी अच्छी चीज़ कर ली होती है आपको, तो वो so it's like that, so you can never like you know. ऑर्गेनाइज हैं उस तरह से, बट हाँ ठीक है, कुछ ऑल टाइम फेवरेट डायरेक्टर होते हैं कि यार इनका मुझे कुछ ना कुछ देखना ही है, तो लाइक टेरेंटिनो, ठीक है, गाय रिची, या एस विशाल भरद्वाज, अनुराग कश्यप, या इवन राजकुमार हिरानी, सही है, और जोए अख्तर, फरहान अख्तर, सही है, और क्या बोलते हैं, इवन रोहित शेट्टी अगर कमर्शियल फिल्म देखते हैं तो और क्या बोलते हैं दिबाकर बैनर्जी, सही है, सो बहुत मेकर्स हैं जिनका काम आपको बहुत अच्छा लगता है, ईरानी फिल्म मेकर्स हैं, अब्बास कुरस्तामी, जाफर पनाही, दीज आर लाइक यू नो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, सो इट्स वेरी लाइक यू नो डिफिकल्ट टू लाइक नेम फ्यू। राकेश मेहरा, उनका काम भी बहुत अच्छा है, सो बहुत लोग। आपके इन द टाइम दैट यू गाइस हैव वर्क टुगेदर, हु हैज बीन द इजीएस्ट एक्टर और एक्ट्रेस टू वर्क विद? वी बीन वेरी फॉर्चुनेट, या I don't think anybody has given us trouble. Yeah. तो मैं इसमें तो सवाल आ रहा था कि most difficult भी बता दे मैं। नहीं हमें हमें तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगता है कि we are very, I am yet to find one who is difficult, but we've not met anybody who's difficult. आप लोगों की अब तक जितनी भी movies release हुई हैं उसमें फहद मुस्तफा has been the male lead there. If you had to work with someone else other than Fahad Mustafa, if you had to replace his character with someone else, so who would your first choice be? For what? Which film? All. I think if I was to answer this, if there was another choice, I would have done the film with that person first. Okay. I wouldn't compromise on a second choice. Fahad was the first choice for those films, hence he was in the films. Yeah, that's true.
अच्छा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की काफ़ी पार्टीज और इवेंट्स होते हैं लेकिन उनमें आप दोनों इतना नज़र नहीं आते हैं, इसकी क्या वजह है? मुझे ये लगता है काम के बाद वक्त कम बचता है और फिर हम मेरे ख्याल से हम कुछ काम के बाद जो वक्त मिलता है उसके अंदर फिर हम लोग खुद ही अपने पुराने कॉन्सेप्ट को लेके बैठते हैं या फिर हमारी आल्सो यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत एफर्ट होता है कहीं जाना है, उसका मतलब ये पता है कि आपको पूरा दिन जाया होता है, आपको तैयार होना है, कपड़े पहनने हैं, ठीक है, और फिर जाना है और तो इसलिए फिर जाके अगर मजा भी नहीं आ रहा, अगर मजा आ रहा है तो फिर आप करो, बट समटाइम्स मजा नहीं आ रहा, सो आई थिंक या सो वी डोंट रियली लाइक एंजॉय एंड देन आई हैव गॉट किड्स सो यू नो आई मीन आई रादर गो कम बैक होम एंड हैव मोर फन. और मैं चाहता हूँ सो जाऊँ, मुझे टाइम है इसकी बॉडी है, इसको बस आप जैसे ही छुट्टी मिले छुट्टी, मेरा मसला है मैं चाहता हूँ मैं सो जाऊँ या फिर मैं सुस्ती मचाऊँ सिर्फ बैठा हुआ बस टीवी पे कोई ना कोई चीज़ देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स या कोई फजूल सी फिल्म देख रहा हूँ, देखी हुई है वो भी देख रहा हूँ और सो जाऊँ, खाना खा लूँ बेड पे ही बैठ के, बस ये मेरा मैक्सिमम ये आप दोनों की फेवरेट मूवी टू वर्क ऑन? टू वर्क ऑन देयर इज अ कपल एक्चुअली इन द पाइपलाइन दैट वी आर रियली एक्साइटेड एंड पैशनेट अबाउट एंड अगेन लाइक यू सेड फंड्स. हाँ, वी आर ट्राइंग टू रेज फंड्स फॉर दोज बिकॉज वो कुछ ऐसी फिल्म है जिसमें शायद हमें अपनी जेब से ही सारे पैसे लगाने हैं, आई डोंट थिंक वो कमर्शली शायद इतनी वायबल नहीं है एंड वी आर कमिंग क्लोज टू दैट बजट. चलें, दैट्स ग्रेट. एंड इफ यू हैड द चांस टू रीमेक वन ऑफ योर मूवीज तो वो कौन सी मूवी आप लोग चाहेंगे? लाइक रीमेक और यू लाइक रीमेक इन व्हाट सेंस? जिससे आप लोग कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है. अच्छा, फिर से रीडू यू मेज यार, नॉट बिकॉज ऑफ के क्या कहते हैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है, बट हाँ देखो अब अगर कोई भी मेकर या हम भी अगर अपनी फिल्म दोबारा वैसी बनाएंगे तो डिफरेंट बनाएंगे उससे, क्योंकि वो तो बना ली है, दोबारा तो वैसी या उससे अच्छी बनाएंगे या उससे बुरी बनाएंगे, ठीक है ना, या तो बुरी बन जाएगी उससे या फिर अच्छी बन जाएगी. तो मुझे ऐसी खास ऑनेस्टली स्पीकिंग खास ज़रूरत तो महसूस नहीं होती, लेकिन हाँ आई थिंक नामालूम अफराद 2 प्रॉबेबली उसको दोबारा से कुछ. मुझे तो हर फिल्म अपनी देखने के बाद लगता है कि इसमें ये चीज बेहतर हो सकती थी. कभी कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है फुली उसको मैं बोलूं कि वो इट्स अ मास्टरपीस. देयर इज ऑलवेज रूम टू इंप्रूव. द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज मुझे बुरी लगने लगती है अपनी फिल्में सारी विद ऑल द फिल्म, मुझे लगता है अच्छा काम नहीं किया, लगता है यार ये सही नहीं हुआ, बहुत फिल्म बन जाती है बुरी, फिर कोई दो चार पांच लोगों को दिखाते हैं बाद में जिन्होंने नहीं देखी होती तो जब वो बोलते हैं तो मुझे वापस थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, वरना मुझे मैं बहुत क्रिटिकली देख रहा हूँ अपनी चीज़ों को. आई नेवर मुझे पसंद नहीं आती अपनी. सो यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू डू बेटर. आप लोगों की मैंने एक मूवी प्रीमियर पे देखी है सिर्फ आज तक, वो थी लॉर्ड वेडिंग. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एक प्रीमियर का जो इन्वायरमेंट होता है उससे बेहतर मूवी वॉचिंग एनवायरनमेंट मैंने जिंदगी में नहीं देखा है. फहद मुस्तफ़ा स्क्रीन पर आए वो कलरफुल स्वेटर पहन के तो सब चिल्लाना शुरू हो गए. तो आप लोगों के ख्याल में कौन सा एनवायरनमेंट बेटर है टू वॉच अ मूवी इन, द प्रीमियर या अपनी मूवी अलग से जाके सिनेमा में कमर्शियली देखना? ऑडियंस के साथ, दैट टू इन अ मास सिनेमा. मास सिनेमा लाइक यू नो अगर आप सर्किट के सिनेमा में देखते हैं उसमें बहुत मजा आता है. लेकिन मल्टीप्लेक्सेस में भी आप दोनों का कंपैरिजन लेते हैं. हम लोग तो ऐसा करते हैं कि हम एक बार मास सिनेमा में देखते हैं फिर मल्टीप्लेक्स में देखते हैं, तो आपको पता होता है कि विच ऑडियंस इज रिएक्टिंग ऑन वॉट, you know, so you kind of make a difference. Okay, this thing kind of work for this audience where masses are, then there's a certain different class which is approaching towards the film in a different way. So wo acha rehta hai, lekin maza audience ke sath dekhne ka aata hai. Acha, mujh jaise log jo shayad kabhi entertainment industry mein aana chahe ya acting karna chahe, तो मुझ जैसे लोगों को फिर आप एडवाइस क्या देंगे? आप आए थे ना हमारे पास, आपने काम किया है हमारे साथ फिल्म पे, एक्टर नाम पे थे तुम, नामालूम 2 पे थे, नामालूम अफ्रैड 2 नामालूम 2 पे थे ना तुमने, तुमने उसमें भी थे ना शादी वाले गाने में है ना. जी 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 होता है, तो तुमने काम किया हमारे साथ से, मतलब अगली मूवी में फिर मैं कास्ट हो रहा हूं. कास्ट होना तुमको उसके लिए आपको एक पेटी पैसे लेके आना. अच्छा अच्छा ठीक है, मम्मा को कॉल करता हूं.
कास्ट के लिए देखो कास्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग कास्टिंग हमारे यहाँ बहुत मेरिट पे, अगर इफ यू आर गुड एट एक्टिंग देन यू विल डेफिनेटली गेट अ चांस, इफ यू आर नॉट गुड बेशक आप मेरे रिश्तेदार मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको ना रखूं नहीं अगर आई थिंक अगर रिश्तेदार होंगे तो ज्यादा कोशिश होगी कि आप ना रखें एक्चुअली होता ये कि हम लोगों को इसलिए बहुत ज्यादा मैरिट को कंसीडर करना पड़ता है कि लोगों की होप्स खुद ही खत्म हो जाए, अदरवाइज तो आपको सारा दिन फोन ही आता है। सो आई मीन अगर आप अपने काम के साथ ऑनेस्टली हैं इवेंचुअली इट्स गोना कम ऑन द स्क्रीन, तो वो उस बंदे के लिए भी ठीक नहीं। हाँ ये जरूर हो सकता है कि समटाइम्स इफ वी फाइंड समबडी एक्सट्रीमली कीन एंड वी थिंक उस बंदे के अंदर एटलीस्ट एक ड्राइव है करने के लिए, तो फिर हम उसको थोड़ी सी गाइडेंस दे देते हैं कि ठीक है मे बी नेक्स्ट ईयर यू कैन कम बैक बाय डूइंग दिस, यू नो देयर इज समथिंग लैकिंग हियर कि आपका। एंड आल्सो यू नो सिंपल तरीका ये, बहुत सारे लोग लाइक नॉर्मल लोग भी सवाल करते हैं कि यार हमें फिल्म में आपके साथ काम करना है तो क्या उसका प्रोसीजर। उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है, जब भी हम कोई फिल्म बना रहे होते हैं तो हमारे अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रोफाइल से या फिर फिल्म वाला के पेज से हम लोग एक जो है वो एड शेयर करते हैं कि इस डेट पे ऑडिशन हो रहे हैं। हमारे ऑडिशन यूजुअली आर्ट्स काउंसिल पर होते हैं, फिल्म वाला पिक्चर्स के ऑडिशन वहाँ पर होते हैं, 3 दिन हमारे ऑडिशन होते हैं और माशाल्लाह से आई थिंक तकरीबन 1,000-2,000 लोग आके ऑडिशन करते हैं एंड नॉट जस्ट फ्रॉम कराची, फ्रॉम लाइक समटाइम ऐसा हुआ है कि लोग दूसरे शहरों से आए हुए हैं और हमें मालूम होता है इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई रियलिटी शो चल रहा है, तो वो बेचारे लोग आते हैं, बड़ी बात है और बड़ी खुशी होती है क्या इतने लोग पैशनेट हैं एक्टिंग को लेकर और फिल्म को लेकर, तो अब वो आके ऑडिशन से ग्रोइंग बाय द डे एंड यू सी बेटर टैलेंट। पहले हम लोग अपने ऑफिस में रखते थे शुरू दूसरी फिल्म के अंदर, तो इतने लोग आ गए हमारे लिए ऑफिस में उनको केटर करना डिफिकल्ट हो गया, देन वी नो वी थॉट कि चलो यार किसी बेहतर जगह रखते हैं ताकि वो सब कंफर्टेबली जो है वो बैठ सकें और जो है वो ऐसा नहीं हमारा ऑफिस बेहतर नहीं है जगह उतनी बड़ी अब 2,000 लोग नहीं समा सकते ऑफिस में, तो ये एक रीजन, तो उसमें ऑडिशन आके देते हैं एंड बाखुदा हम लोग सारे ऑडिशन देखते हैं उसमें तो फिर लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, पर्सनली देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी फिल्मों में नॉट जस्ट समटाइम्स क्या होता है आपको एक्टिंग तो चाहिए लेकिन समटाइम्स आपको ना कोई सी कैरेक्टर की शक्ल इतनी इंटरेस्टिंग लगती है, कोई लोगों की शक्ल पे इतना कैरेक्टर होता है कि उनको आप बोलते हो कि यार ये कुछ नहीं भी बोलेंगे ना तो ये अच्छे लगेंगे शॉर्ट में, सो इसलिए बड़ा जरूरी होता है देखना, तो सारे लोगों को देखते हैं एंड देन वी मेड मेक अ पूल अकॉर्डिंग टू दैट फिल्म ओनली। बट ऐसा नहीं है कि आपने एक फिल्म के लिए आके ऑडिशन किया तो अगर आपका उस फिल्म में नहीं हुआ तो कभी और नहीं होगा, वो हमारे पास आर्काइव में आते रहते हैं, तो कॉलबैक्स का ऑप्शन हमेशा ओपन होता है। ठीक, अब मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगा जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अपनी इंडस्ट्री को आप दोनों 10 साल में कहाँ देखते हैं। आई थिंक इंडस्ट्री होते हुए एटलीस्ट इंडस्ट्री का हाँ दर्जा मिलते हुए अच्छा हाँ राइट नाउ वी आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज एन इंडस्ट्री। I've been on the executive producers body, what do you call this? The Pakistan Film Producers Association's executive body, and we've been pushing this for some time with the government, previous and now. And now things are moving little, I'd say not faster, but yeah, thoda pacey ho gayi hai pehle se. And it seems like that they will acknowledge it as an industry. The moment we get the acknowledgement, then we can call ourselves an industry. So, वो तो अभी की बात है, लेकिन हाँ 10 साल के अंदर vision should be where, like I said, कि we have our own portals. हम अब digital की तरफ ज़्यादा देखें और content को international standard के ऊपर you know, at least I'm not saying we don't have to copy, but we have to bring our quality on that standard where you're internationally competing with the international market. And not just like technically, aesthetically as well. Of course. Technically though, we are almost there now because same aesthetically like cameras. Aesthetically and conceptually. Yeah, conceptually. So it has to get to that league where, you know, khud hi international attention aapke paas aaye rather than you trying to reach out to Netflix and places, they should be able to reach us. Yes. Thank you very much. आप दोनों, I know आप लोग दोनों बहुत busy हैं। नहीं भाई, आप तो काम करने के लिए office तो office ले आया आपको कि नहीं आप भी आ जाएं साथ में। But thank you very much. It was great talking to you both. And on that note, this is Ilyan Al Karim signing off.